क्लास 11वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार फाइनली आपका कक्षा 11वीं के यहाँ पर विषय जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर तो आधा बच्चे तो 22-23 कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान साथ आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। कि जो आपका यहाँ पर समय रहने वाला 3 घंटे का रहने वाला और आपका पूर्णांक यहाँ पर 17 का रहने वाला, साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है, ठीक है। तो हम जो पेपर कराएंगे इस पेपर को आपको याद जरूर करना, साथ ही इस पेपर यहाँ पर जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो आपके यहाँ पर प्रेस बैंक से लिए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो आपके प्रेस बैंक से लिए गए, साथ ही जो आपके पेपर हो चुके हैं वो आपके प्रेस बैंक से ही आए थे, यानी जो आपके पेपर आ रहे हैं वो आपके प्रेस बैंक से आ रहे हैं, ठीक है। और जो हम आपको पेपर कराने वाले हैं और आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो जो आपका 70 का पूर्णांक 70 में आपका 50 नंबर का आपका आने वाला, ठीक है। इस पेपर से आपका यहाँ 50 नंबर का आने वाला आपके पेपर, तो आपको इस पर को याद जरूर करना। साथ ही आपको बता दें कि YouTube में कोई भी यहाँ पर रिपेयर नहीं डालता, जो आपको यहाँ पर जो और यहाँ पर और यूट्यूबर हैं जो आपके पेपर दिखाते हैं वो आपको पिछले साल के पेपर दिखा देते हैं और आप यहाँ पर उस पेपर फंस जाते हो, ठीक है। लेकिन आपको उस पेपर नहीं फंसना जो हम पेपर कराते हैं और यहाँ जो हम पेपर आपको कराने वाले हैं, इस पेपर से आपके यहाँ पर जो आपको 50 आपको जो यहाँ पर हम पेपर कराएंगे इस पेपर से आपका 50 नंबर का आने वाला आपके पेपर में, ठीक है। तो इस पेपर आपको याद जरूर करना, साथ ही हम आपको सॉल्यूशन भी कराएंगे, ठीक है। और आप इस पेपर को याद कर लेते हैं तो जो आपका पूरा यहाँ 70 का है, 70 में आपके 50 नंबर आने वाले, इस पेपर को याद करने वाले, ठीक है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, साथ ही हम आपको बता दें आपको यूट्यूब फेक पेपर नहीं पढ़ना, जो हम पेपर कराएं इसे याद करिएगा। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, ठीक है। या आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो पहले आता है आपका सही बात, क्योंकि लिखित 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है पृथ्वी सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। तो आराम से देखिए, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए, हम आपको यहाँ पढ़ के दिखाएंगे। तो आप यहाँ देखते पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, कवकों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा और मरुस्थलीय पौधों द्वारा। तो यहाँ पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, ठीक है। इसका आपका पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं अब, तो दूसरा आता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, वंश है, जाति है, गण है या वर्ग है। तो यहाँ पर जो आपके आते हैं दूसरा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसकी आपके यहाँ जाति, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो याद कर लीजिए, पूरा आपको डट के जाना है। और फिर आपका तीसरा आता है पादप जगत के उभयचर होते हैं, ब्रायोफाइटा, शैवाल और थैलोफाइटा और उत्प्लावी पौधे। तो पादप जगत के यहाँ पर उभयचर होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। पादप जगत के उपचार होते हैं ब्रायोफाइटा, इसका पहला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चौथा देख लेते हैं, जड़ वृक्ष होती हैं मूलांकुर से, प्रांकुर से, बीजपत्र से या प्रांकुर चोल से। तो यहाँ पर जो जड़ वृक्ष होती हैं वो किससे होती हैं, मूलांकुर से, ठीक है। इसका आपका पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, हमने आपकी 4 करा दी, ठीक है। और जो इसके स्क्रीन शॉट है, अगर आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इनका स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर कर लीजिए, नहीं तो आप अपनी कॉपी नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी अगर आप यहाँ पर कॉपी नोट करते हैं तो वो आपके लिए सही रहेगा। अब चलिए, आपके यहाँ 5 देख लेते हैं। तो 5वां आता है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल और ट्रायोज फॉस्फेट ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। और यहाँ पर देखते हैं चौथा आता है फास कोइनोल पाउडरबी, ठीक है। तो यहाँ पर केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, जो इसका आपके यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका यहाँ पहला हो जाएगा 3 फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल, ठीक है। ये आपका पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा करेक्ट। और साथ ही जो यहाँ पर बायोलॉजी में जो आपके यहाँ पर शब्द रहते हैं वो थोड़ी कठिन रहते हैं, ठीक है। फिर आपका 6वां आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, साइकन है, स्पंजिया है, स्पंजिला और हाइड्रिला। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, जो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तीसरा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पंजिला, ठीक है। आप 7वां देख लेते हैं, पारूविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो एक पारूविक यहाँ पर पारूविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर चौथा, यानी जो आपका जो तीसरा आता है यानी 4, इसका आपका 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने आपका यहाँ पर करा दिया आपके 7 के, हमने सही बार करा दिया, ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन सही था, तो जो इसका स्क्रीन शॉट वो उठा लीजिए, इससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसान जाएगी, ठीक है। हमने 7 के आपके सही बार करा दी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने आपको पहले बता दिया जो हम पेपर करा रहे हैं वो आपके प्रेस बैंक से यहाँ पर बनाया गया है, साथ ही आप यहाँ पर याद करके जाते हैं तो 50 का फंसने वाला, इस पेपर से हम आपको सभी गारंटी देते हैं। और फिर आपका यहाँ आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं जो कि 7 के हैं। तो पहला आता है सबसे ऊंचा एनजीओ, यहाँ पर एनजीओ स्पर्म है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा एनजीओ स्पर्म कौन होता है, तो पहले का जो आपके यहाँ पर आंसर होने वाला है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस होने वाला पहले का आंसर, आपको पहले रेगिस्तान भर देना यूकेलिप्टस। साथ ही देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना, क्योंकि जो बालू जी के यहाँ पर शब्द रहते हैं वो थोड़ी कठिन रहते हैं।
ठीक है, बड़ा यानी तो आप यहाँ बताते हैं, आपको यहाँ पर यू के लेफ्ट इस तरह से लिखना है। और फिर आपको यहाँ पर आता है जल सम्मान तंत्र डोंडो संघ की विशेषता है, जल सम्मान तंत्र डोंडो संघ की विशेषता है, तो कौन सी संघ की विशेषता है जल सम्मान तंत्र, तो दूसरी का जो आपको यहाँ पर आंसर आएगा, दूसरी का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इकाइनो डायमीटर, ठीक है, दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर इकाइनो डायमीटर हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना, हम स्क्रीन में दिखा रहे, सारी स्क्रीन शॉट भी आप घालते जाइए। आप चलिए आप देख लेते हैं क्या आपको तीसरा आपके लिए किस तरह आता है, दुई बीज पत्री पौधों की पत्तियों में डोंडो सेरेब्रन्नस पाया जाता है, ठीक है, ये आपका तीसरा आता है, तीसरे का आंसर देख लेते हैं, तो जो तीसरे का आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिगामेंट, ठीक है, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर लिगामेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, सॉरी तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर ए रहे रेगिस्तान, वो आपके यहाँ पर नीचे एक साथ बाकी मतलब का सोल्यूशन है, आपको जो यहाँ पर तीसरे में हो जाएगा वो आपका यहाँ पर जाली का बात, ठीक है, जाली का बात सेरेब्रन्नस, तो यहाँ पर दुई बीजपत्री पौधे की पत्ती में जालिका वस्त्र सेरेब्रन्नस पाया जाता है। और चौथा आता है रक्षक कोशिकाएं डोंडो में पाई जाती हैं, तो रक्षक कोशिकाएं यहाँ पर द्वार कोशिका में पाई जाती है, ठीक है, तो चौथे में आपको यहाँ भर देना द्वार कोशिका, यहाँ पर देखते द्वार कोशिका भरना है आपको चौथे में। आप पाँचवा देख लेते हैं, तो पाँचवा आता है डोंडो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो जो पाँचवें का आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पाँचवें आपको भर देना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पाँचवें रेगिस्तान में भर देना। अब छवां देख लेते हैं, तो छवां आता है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान होता है, तो जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के जो श्वसन गुणांक का मान होता है वो कितना होता है, वो होता है एक, ठीक है, तो आपको छः मेरे रेगिस्तान में यहाँ पर एक भर देना। तो फाइनली हमने छः रेगिस्तान करा दिए, सातवां देख लेते हैं, तो सातवां आता है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डोंडोट की बनी होती है, तो यार इतने इजी क्वेश्चन है यार, ये तो सभी को पता हो जाए, आपको छः में पढ़ा होगा, सात में पढ़ा होगा, आठ में पढ़ा होगा, तो जो यहाँ पढ़ते पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डोंडोट की बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, सेल्युलोज, ठीक है, सेल्युलोज होने वाला है आपको सातवें रेगिस्तान में। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना, इस तरह से आपको लिखना सेल्युलोज, ठीक है, तो पहले में आपके यहाँ पर यूकेलिप्टस, दूसरे में आपको इकाइनोडर्मेटा, और तीसरे का रिश्ता में आपके यहाँ पर जालिकावाद, ठीक है, जालिकावाद, और चौथे में आपका द्वार कोशिका, पाँचवें में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और छठवें में आपका यहाँ पर एक हो जाएगा, और सातवें में आपका सेल्युलोज, ठीक है। तो फाइनली हमने अपने सात नंबर के यहाँ पर जो रेगिस्तान थे वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन साइज करा दिए, तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाए, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपकी सहयोगियाँ आती हैं, तो आपकी सही जोड़ियाँ आती हैं, साथ ही आप पेपर का भी यहाँ पर स्क्रीन शॉट उठा दिया, अब आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी, ठीक है, आपकी कॉलम आओ अब हमें यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो सात नंबर की हैं, तो पहला आती है जड़, आपको यहाँ पर जो आपकी आती है जड़, और दूसरी आती है तना, और तीसरी आती है जाइलम, चौथी आती है फिलोम, जो आपकी यहाँ पहली आती है जड़, तो जड़ को आपको मैच किससे करना, हम आपको इस साइड यहाँ पर दिखा देते हैं, जड़ को मैच कर देना आपको किससे, तो जड़ को आपको यहाँ पर मैच कर देना, ठीक है, मूलांकुर से, जड़ को आपको यहाँ मूलांकुर से मैच कर देना, और जो आपके यहाँ पर दी यहाँ पर जो दूसरी आती है, तो दूसरी आप देते तना, ठीक है, तना को आपको किससे मैच करना है, तना को आपको यहाँ पर इस साइड दिखा देते हैं, तना को मैच करना आपको पिरांकुर से, ठीक है, तना को आपको मैच यहाँ पिरांकुर से कर देना, हमने यहाँ पर आपके देखते नंबर भी लिख दिए। और चलिए आप तीसरी दिख लेते हैं, तो तीसरी आती है जाइलम, ठीक है, जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है यहाँ पर आप यहाँ पर जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जल का परिवहन से आपको यहाँ पर तीसरी जो जोड़ी है वो मैच कर देनी है, ठीक है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए। अब चौथी आपकी जो सही जोड़ी आती है वो आती है क्या, हम आपको दिखा देते बीडू पुआ, देखिए साथ ही पूरे पेपर को आपको याद करना है, जो आपकी चौथी आती है फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम आती है चौथी, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर भोजन का परिवहन, ठीक है, आप किसी सामने ही मैच कर देना, फ्लोएम आपके यहाँ पर भोजन का परिवहन हो जाएगी, ठीक है। और चलिए आप यहाँ देख लेते हैं पाँचवीं, तो फाइनली आपकी पाँचवीं जो यहाँ पर सही जोड़ी आती है वो आती क्या, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, पाँचवीं आती है रंध, ठीक है, रंध आती है, इसको मैच कर दीजिए आप किससे, आपको इस साइड दिखा देते हैं, जो आपकी रंध दी गई है उसको मैच कर देना आपको किससे, आपको पाँचवीं मैच कर देना यहाँ पर रक्षक कोशिकाएं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर पाँचवीं आई थी रंध, तो रंध को मैच करना आपको यहाँ पर रक्षक कोशिकाएं से। और जो छवीं है आपको दिखा देते हैं, छवीं आप यहाँ पर अंडाशय, ठीक है, आपको हम यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा है, छवीं जो आती है यहाँ पर अंडाशय, तो अंडाशय को मैच कर लीजिए आप यहाँ पर, जो छवीं आप देखते हैं अंडाशय को मैच करना आपको यहाँ पर पुंकेसर, ठीक है, आपको जो यहाँ पर पुंकेसर दिया है इससे आपको मैच कर देना छवीं, आप यहाँ पर देखते हैं पुंकेसर से मैच कर देना आपको छवीं से जुड़ी, ठीक है। आज सातवीं देख लेते हैं, तो आपकी जो सातवीं आती है वो आती है पराकोष, ठीक है, पराकोष आती है सातवीं, तो सातवीं मैच करा देना आपको किससे, सातवीं मैच करना आपको यहाँ पर जयांग से, ठीक है। तो फाइनली हमने जो आपकी सही जोड़ी वो करा दिए, साथ ही इसके स्क्रीनशॉट वो आप यहाँ पर पहले का जो आपके यहाँ पर जो इस साइड दी गई सर सही जोड़ी आपकी चार इस साइड दी गई, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं हमने पॉइंट भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच कर ली, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो कर लीजिए, और साथ ही यहाँ पर इस साइड भी आपकी जो सही जोड़ी दी गई है हम दिखा देते हैं, पूरा पेपर हम यहाँ पर आपको संपूर्ण हल साइड करा रहे हैं, क्योंकि आपका इससे आपका 50 नंबर का आने वाला है, फिर आपके यहाँ पर तीन इससे आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो दी गई, तो इसका जो स्क्रीन शॉट वो घर लीजिए। अब चलिए आपके एक शतभाग के मतलब देख लीजिए, ठीक है, तो क्वेश्चन चौथा आता है एक शतभाग के मतलब दी चार जो सात नंबर के, तो पहला आता है समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है, तो
तो यहाँ पर समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं, तो पहले का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाल शैवाल। ठीक है, लाल शैवाल पाए जाते हैं समुद्र की गहराई में, देख लीजिए किस तरह से लिखना है। दूसरा आता तने का विकास बीच के किस भाग से होता है, तो तने का विकास बीच के किस भाग से होता है, तो यहाँ पर जो दूसरे का आंसर हो जाएगा परांकुर। ठीक है, परांकुर होने वाला दूसरे आपका यहाँ पर एक शब्द वाक्य का आंसर। ठीक है, आप तीसरा देख लेते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले जो ऊतक कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्या, आपको दिखा देते हैं। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर लिगामेंट हो जाएगा। ठीक है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक कहलाते हैं लिगामेंट। ठीक है, तीसरे का आंसर आपने करा दिया। आप चौथा देख लेते हैं, तो चौथा आता पी पी एल ओ का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, पी पी एल ओ का पूरा नाम लिखी जाती है, आपको बासी परीक्षा में भी आएगा। ठीक है, पी पी एल ओ का पूरा नाम लिखिए, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर जो आंसर होने वाला आप यहाँ पर देते हैं, हम स्कीम में दिखा रहे हैं, ये रहा पी पी एल ओ का पूरा नाम। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग भी दिख लीजिए, जिससे अगर आप यहाँ पर जो आपका पेपर में जो आपका आता है पी पी एल ओ का पूरा नाम, ये आपका पेपर में आने वाला है, तो जो हम यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है, इसकी आपको मीनिंग आपको गलत नहीं लिखनी है। अगर आप यहाँ पर मीनिंग गलत लिखेंगे पेपर में, तो आपके नंबर यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, तो इसलिए आप मीनिंग भी देख लीजिए, साथ ही आंसर भी देख लीजिए। चौथा हमने क्वेश्चन आपका चौथा यहाँ पर एक साथ बाकी मत करा दिया। अब पाँचवा देख लेते हैं, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो पाँचवें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, पाँचवें का आपका यहाँ पर एब्सिसिक एसिड। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। और छठवां आता है, पक्षियों का हृदय कितनी कच्ची होता है, तो यार वो इजी क्वेश्चन, पक्षियों का यहाँ पर हृदय होता है वो यहाँ पर चार कच्ची होता है। ठीक है, तो छठवें का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा चार कच्ची। और सातवां देख लेते हैं, पाँच जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर पाँच जगत जो वर्गीकरण है वो किस वैज्ञानिक द्वारा दिया यहाँ पर दिया गया, तो जो आपका सातवीं का आंसर हो जाएगा क्या, सातवीं का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर एच बी टी का। ठीक है, आपका सातवीं का आंसर यहाँ पर आर एच बी टी का हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपकी इस सतबाक में करा दी, सात नंबर की थी बेस्ट सोर्स आंसर करा दिए, पहले में लाल सवाल, दूसरे में प्रांकोर, तीसरे में लगामेंट, और ये आपका पी पी एल ओ का पूरा नाम है, और आपका पाँचवें में यहाँ पर एफएसएक एसिड, और छठवें में आपका यहाँ पर चार का सी, सातवें में आपका यहाँ पर आर एच बी टी का। ठीक है, तो फाइनली आपके एक सतबाक में का जो सोल्यूशन वो करा दी, जो इसका स्क्रीन शॉट वो आप ले लीजिए, और साथ ही ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन है, तो इसका स्क्रीन शॉट वो आप घर लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी आएगी। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फाइनली हमने पूरी आपके जो ऑब्जेक्ट थे वो हमने बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिए। ठीक है, पूरी ऑब्जेक्ट हमने करा दिए। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ पाँच माता सेवालों के दो प्रमुख लक्षण लिखिए, इसका भी हम आंसर कराएंगे, वीडियो को आप सिर्फ एंड तक देखिए, और अथवा आता विषम बीजाणुता को लिखिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर छह माता पाणे विन्यास को स्पष्ट कीजिए, अथवा आता बीजन न्यास को परिभाषित कीजिए, जो इसके आंसर वो भी बताएंगे आपसे वीडियो के अंदर देखिए, और साथ में आता जाइलम और फ्लोएम का एक उदाहरण का लिखिए, अथवा आता वार्षिक बलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और आठवां आता कैचों किसानों का मित्र क्यों कहा जाता, अथवा आता उपास्थि वास्ती में कोई द्वंद्व लिखिए, फिर नौवां क्वेश्चन आता कोश भित्ति के दो काल लिखिए, दुर्मल का अथवा आता किन्न वर्ण के दो महत्व लिखिए। जो आपके यहाँ क्वेश्चन कराने हैं इनके जो स्क्रीन शॉट वो घाल दिया जी। ठीक है, आपको नहीं तो अपनी कॉपी नोट करते जाइए। दसवां आता कुश चक्र की जी जुड़ी अवस्था को प्रसन्न अवस्था क्यों कहा जाता है, अथवा आता आज ही बैक्टीरिया को जीवत जीवाश्म में क्यों कहा जाता है। ठीक है, जीवत जीवाश्म यहाँ पर क्यों कहा जाता है। ग्यारहवां आता अर्थपोडा संघ की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये आपका दो नंबर का क्वेश्चन है, इसका अथवा आता पोरीफेरा संघ की दो लक्षण लिखिए। ठीक है, राशि ऊपर का निमंत्रण तो नीचे का आप कर सकते हैं, जो इसका सोल्यूशन है वो भी हम कराएंगे, आप जो स्क्रीन शॉट वो आप घाल दिया क्वेश्चन का। फिर आपका यहाँ पर बारहवां क्वेश्चन आता 70S और 80S राइबोसोम में S का अर्थ है, अथवा आता ब्रायोफाइटा को हम पादप जात का जल स्थिर क्यों कहते हैं। ठीक है, आपका बारहवां क्वेश्चन जो कि दो नंबर का, और तीनवा आता मोनोरा जगत के तीन लक्षण लिखिए, अथवा आता एंजियोस्पर्म के प्रमुख तीन लक्षणों को लिखो। ठीक है, लिखिए। ठीक है, आपका तीनवा क्वेश्चन वो आपका तीन नंबर का, यहाँ से तीन नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और फिर आपका चंद्रवा क्वेश्चन आता आप देखते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोश का में कोई तीन अंतर लिखिए, फिर आपका यहाँ पर अथवा आता पादप कोश के एवं जंतु कोश का में कोई तीन अंतर लिखिए। ठीक है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया है प्रोकैरियोटिक कोश का यूकैरियोटिक कोश का, और साथ ही जो आपका अथवा पादप कोश के एवं जंतु कोश का में कोई तीन अंतर लिखिए, आपके क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में भी आते हैं, तो इन्हें आपको अभी से रख लेना। और पंद्रवा आता ऑक्सीजन हार्मोन के तीन कार लिखिए, और इसका अथवा आता साइटोकाइन हार्मोन के तीन कार लिखिए। ठीक है, पंद्रह क्वेश्चन करा दिया। और सोलवा आता ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपको सोलवा आता ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को स्पष्ट कीजिए अथवा आवश्यक। ठीक है, ये आपको सोलवा जो तीन नंबर का, अब यहाँ पर सोलवे का अथवा देखने से पहले इस पेज का जो पूरा स्क्रीन शॉट वो उघाड़ लीजिए, क्योंकि आपका 50 नंबर का आने वाला आपके पेपर में इस पेपर से। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट आपको पूरा उघाड़ लीजिए इस पेज का। ठीक है, अच्छी तरह हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए सोलवे का अथवा देख लेते हैं। तो आपका जो सोलवें का अथवा आता है वो आता है समसूत्री व अर्धसूत्री कोश का बयान में कोई तीन अंतर लिखिए। सत्रवा आता है हृदय पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, चंद्रमा क्वेश्चन है, अथवा आता है
तंत्र का पेशी संरचना का नामांकन चित्र बनाइए। अठारह माता ग्लाइकोलाइसिस बाकी कैप्स चक्र में कोई पांच अंतर लिखिए। पांच नंबर क्वेश्चन है अथवा था ऑक्सी व अनऑक्सी शोधन में कोई पांच अंतर लिखिए। उन्नीस माता C3 और C4 पौधे में कोई पांच अंतर लिखिए। ठीक है, जो हमने पेपर बनाया था यहाँ पर C4 हमने नहीं लिख पाए, हमने आपको पहले ही बता दिया आपका रियल पेपर नहीं है, ये आपका IMP पेपर है। अगर आप यहाँ पर इसको याद करके जाते हैं तो 50 नंबर का आपका आने वाला है। इस पर हम आपको इसकी 100% गारंटी दे सकते हैं। अथवा आता द्वितीयकारिता को परिभाषित करें और करते हुए इसके महत्व को लिखिए। ठीक है, तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया। ठीक है, आपको पूरा पेपर यहाँ पर हो चुका है। जो आपके ऑब्जेक्ट थे उसका हमने सोल्यूशन करा दिया। जो आपके क्वेश्चन आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 था। ठीक है, तो जो इनका सोल्यूशन वो आने वाला 1 घंटे के बाद, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सोल्यूशन इस वीडियो में आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है आपके 1 घंटे के बाद पूरे आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय जय भारत।